ये कुछ और नहीं बल्कि जुबान पर मिठास को घोलने वाला गुड़ ही है। लेकिन इसे गन्ने के रस से नहीं बल्कि खजूर के रस से बनाया जा रहा है। झारखंड के जमशेदपुर में बंगाल से आए दर्जनों कारीगर खजूर के रस से गुड़ बना रहे हैं। इस महीना में ज्यादा दाम है पैसा है। क्या क्या कर रहे हैं इस महीना में? इस महीना में जैसे कि पायस बनता है, खीर भी बनाते हैं, पीठा भी बनता है, मीठा भी बनाते हैं। अच्छा। आदिवासी का जो है ना टुसु है इसलिए दाम है, और बिहारी का जो संक्रांति इसमें खपत होती है। अच्छा। ये कारीगर गुड़ बनाने के लिए इसके पुराने तरीके का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें खजूर के पेड़ों को छीलकर रात के समय एक मटका बांधा जाता है। इससे रोजाना एक पेड़ से लगभग 10 लीटर रस निकल आता है। इस रस को धीमी धीमी आंच पर गर्म किया जाता है, फिर गाढ़ा होने पर इसे इन खांचों पर कपड़ा डालकर इसमें भर दिया जाता है। सूखने के बाद ये गुड़ 70 से 80 रुपए में खुले बाजार में आसानी से बिक जाता है। सही बिक्री करता है बाजार में, 70 रुपया 60 रुपया इस किले से बेचता है। जो भैदा वाला गुड़ लेगा उसके 60 रुपया किला, जो ढुमा वाला लेगा बटाली वाला। এখানে পরব আছে, আমাদের বেঙ্গলও পরব আছে, সব জায়গাতেই বানতে হয়, বেঙ্গলে ঝাড়খণ্ডে সব জায়গাতে। বাজারে আমরা বিক্রি করি ধরে রাখো 55-60, যখন যেরকম চলে তখন সেরকম আমাদেরকে দেয়, মানে চাষি হিসাবে। লেকিন গুড় বানানে কে ইস তরিকে মে সবসে বড়ি চুনৌতি সাফ সাফাই কি হ্যায়। अगर इससे निपटने के लिए सरकार इन्हें साफ सुथरी जगह के साथ प्रशिक्षण मुहैया कराए तो खजूर के पेड़ झारखंड में किसानों के लिए आय का बेहतर जरिया बन सकते हैं। झारखंड के जमशेदपुर से चंद्रशेखर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।